ये है दिल्ली दर्पण। इस वक्त हम मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के ठीक सामने, जहां पर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई अब से थोड़ी देर पहले ही लेकर आई है। आप तस्वीरों में देखिए, अगर आप सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन कमल से कहना चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और इस पूरे जो रोड है, इस पूरे रूट को बंद कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी खबर अंदर से निकल कर आने वाली है। दरअसल सीबीआई आज यहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पेश करेगी और दिल्ली का जो शराब घोटाला है उस मामले में कम से कम 14 दिनों की जो रिमांड है वो अब पुलिस रिमांड पर सिसोदिया को ले सकती है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से कल देर रात को ही 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ये जो पूरा कोर्ट का रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। आप गाड़ियाँ देख सकते हैं जिस गाड़ी पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जो है यहाँ पर लाया गया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऑनलाइन पेशी की जा सकती है, लेकिन आपने जो तस्वीरें वहाँ से देखी, वहाँ पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कड़े सुरक्षा घेरे में यहाँ पर लाया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो है वो भी प्रदर्शन लगातार जारी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये तस्वीरें देखें किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और ये जो कोर्ट का इलाका है उसके अंदर जो है वहाँ पर बातचीत चल रही है। मनीष सिसोदिया को पेश किया जा रहा है, उसके बाद जो है कम से कम पुलिस 14 दिनों की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को ले सकती है ताकि आगे का पूछताछ जारी रहे। जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर सामने आ रही है वो ये कि सीबीआई अपने पास पुख्ता सबूत भी लेकर आई है। जो कोर्ट में जो सीबीआई की ओर से दलीलें दी जाएंगी उनके पास कई ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जो सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। इससे पहले जो बयान सामने आए उसमें ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया जो है वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कल लंबी पूछताछ के बाद जिस तरीके से सिसोदिया कल सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, उनको समन भेजा गया था सीबीआई दफ्तर पहुंचने का, उससे पहले एक राजनीतिक घटनाक्रम भी दिल्ली में देखने को मिला। सिसोदिया के निकलने से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया कि आज सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है और उसके बाद वो राजघाट पहुंचे और राजघाट से वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे तो वहां पे भी एक राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो यहाँ वहाँ पर पहुंचे और सीबीआई ने उनको रोक दिया था। अब सबकी निगाहें जो है वो अब कोर्ट के अंदर टिकी हुई है कि आखिर क्या वर्डिक्ट निकल कर सामने आता है, क्या जो है सीबीआई 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेते हैं या नहीं। इस खबर पर भी लगातार जो है हमारी नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर